रुद्रांश हो तुम, हाँ? तू अवसान ना करो। महादेव से उत्पन्न महावीर वीरभद्र का प्रभु श्री राम के अनुज और उनके भतीजे को क्षति पहुंचाकर तुमने उन दोनों को नहीं मुझे क्षति पहुंचाई है। मुझे उस हनुमान को जिसे उनकी सुरक्षा का दायित्व दिया था मेरे प्रभु ने, उनको आहत होते देख मेरे प्रभु श्री राम को अत्यंत कष्ट हुआ होगा, जिसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। तो फिर किस सोच विचार में पड़े हो? आओ युद्ध करो मुझसे, उस महारथी से जिसका जन्म ही रुद्र अवतार महादेव की जटाओं से हुआ है। यदि तुमने भोले बाबा की जटाओं से जन्म लिया है तो मैं भी रुद्रांश हूं। मेरे प्रभु श्री राम को कष्ट दिया है तुमने वीरभद्र, जिसका तुम्हें उचित दंड देगा ये राम भक्त हनुमान। इतना विश्वास है अपनी शक्ति पर हनुमान? तू आओ सामना करो मेरा, आओ सामना करो। एक भयंकर महायुद्ध का आरंभ है ये। मेरे प्राण तुम्हारे प्राण हर लेंगे हनुमान, तुम्हारे हृदय को अपना आहार बनाऊंगा मैं। सुना है वानर का हृदय बहुत स्वादिष्ट होता है। जिस हृदय में प्रभु श्री राम का पास हो उसको पाना तो दूर, तुम उसके निकट भी नहीं पहुंच सकोगे वीरभद्र। महाबली महायोद्धा हो तुम हनुमान, किंतु मुझसे टकरा कर बहुत बड़ी भूल की है तुमने। भक्त की भक्ति और धर्म की शक्ति भूल नहीं हो सकती वीरभद्र। तुम्हारे प्रत्येक अस्त्र का सामना करूंगा मैं वीरभद्र, किंतु प्रभु श्री राम के कार्य को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। इस भ्रम में मत रहो हनुमान, लो सहो मेरा प्रहार।
दो महायोद्धाओं के मध्य ऐसा भीषण युद्ध कभी किसी ने ना देखा होगा। हाँ देवराज, साहस बल और क्षमता में एक समान ही प्रतीत हो रहे हैं दोनों। सत्य, दोनों ही रुद्र के अंश, किंतु इस युद्ध का महाविनाशक परिणाम की चिंता सता रही है मुझे। तुम्हें मुझे प्रभु के भतीजे का वधिक दिखाई दे रहा है, जिसे मैं मसल के रख दूंगा। तुम्हें मुझे मात्र एक शत्रु दिखाई दे रहा है, वो शत्रु जिसने महादेव की शक्ति को ललकारा है। तुम्हें तो अवश्य पराजित करूंगा मैं, अवश्य। युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई है। युद्ध भक्त और भगवान के मध्य एक प्रचंड रण। यदि नंदी और वीरभद्र दोनों ही हनुमान को पराजित करने में असमर्थ रहे तो दुर्भाग्यवश मैं उससे युद्ध करने के लिए विवश हो जाऊंगा। मेरी क्रोधाग्नि भस्म करेगी तुम्हें वीरभद्र, जिसका जन्म ही महादेव की क्रोधाग्नि से हुआ है, उसे तुम्हारा क्रोध क्या भस्म करेगा हनुमान? हनुमान की अपार शक्ति को खंडित करना ही होगा। प्रभु की शक्ति किसी से पराजित नहीं हो सकती। तीव्र गति से वार करूंगा हनुमान पर। इतनी गति का संचार कर प्रहार करूंगा हनुमान पर कि वो अपना बचाव ना कर सके।